मेरी गर्लफ्रेंड और मुझे रोड ट्रिप्स बहुत पसंद है, पर चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती अगर ये जुनून अपनी हद तक रहता। बारिश की एक रात में स्टेला और मैं एक रोड ट्रिप से वापस आ रहे थे। बारिश तेज़ होती जा रही थी। बारिश और तूफान में गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था, तो हमने हाईवे के साइड में रुकने का सोचा। मुझे चिंता थी क्योंकि तूफान के समय में हाईवे पे रुकना बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। मैं सोच रहा था अब क्या करूं कि तभी स्टेला ने कहा, देखो मार्क, पास के लेफ्ट टर्न पे एक बिल्डिंग है। मैंने वहाँ देखा और मुझे पेड़ों के पीछे एक पुरानी सी बिल्डिंग जैसा कुछ नज़र आया। स्टेला ने कहा, चलो वहाँ चलते हैं, रात काटने के लिए शायद जगह मिल जाए। उस समय वो अच्छा आइडिया लग रहा था, तो मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया। जैसे ही हम बिल्डिंग के पास रुके, मैंने रियलाइज़ किया कि वो एक अबेंडन हॉस्पिटल है। हम कार में से निकले और अंदर की तरफ भागे। एंट्रेंस पर एक बड़ा शीशे का दरवाज़ा ऑलरेडी टूटा हुआ था। जैसे ही हम हॉस्पिटल में घुसे, मैंने रियलाइज़ किया कि कोई भी जीता जाता जंतु इस जगह में बहुत समय से नहीं आया है। वहाँ टूटा फूटा फर्नीचर और कांच के टुकड़े हर जगह पड़े थे। सीलिंग में सीलन की वजह से नीचे पानी टपक रहा था। नीचे गिरते हुए पानी की आवाज़ और खिड़की से आती तेज हवाओं की आवाज़ हर जगह एक डरावना सा माहौल बना रही थी। स्टेला ने धीमी आवाज़ में कहा, हाहा, ये तो कोई एडवेंचर लग रहा है। मेरी बीवी स्टेला हॉरर फिक्शन लिखती है, इसलिए ऐसी डरावनी जगहें उसे बहुत एक्साइटिंग लगती है। हम बहुत सी पुरानी और अबेंडन जगह गए हुए हैं उसकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, हाँ चलो देखते हैं, क्या पता तुम्हें यहाँ कोई स्टोरी ही मिल जाए। अगर मुझे पता होता कि मेरा मजाक इस तरह पड़ेगा, मैं वो जगह उसी समय छोड़ के निकल जाता। स्टेला और मैंने उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया। हमने अपने फोन्स की फ्लैशलाइट ऑन की। हमारे लेफ्ट साइड में एक पैसेज था। उस पैसेज में मिनी कैबिन्स बनाए हुए थे। हम पैसेज में गए और पहले केबिन का दरवाज़ा खोला। वहाँ एक टूटा फूटा बेड पड़ा हुआ था। बेड के पास एक टेबल और चेयर पड़ी हुई थी। जिस अजीब चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी, वो बेल्ट स्ट्रैप्स थे जो बेड से लगे हुए थे। मैंने ऐसे अजीब हॉस्पिटल बेड्स आज तक नहीं देखे थे। मोस्टली सभी केबिन्स ऐसे ही थे। उन केबिन्स के हर बेड पे बेल्ट स्ट्रैप्स अटैच्ड थे। थोड़ी देर में स्टेला बोर हो गई और उसने कहा, यहाँ कुछ नहीं है देखने को, चलो ऊपर चलते हैं। हमने राइट साइड वाली सीढ़ियाँ ली। ऊपर का कॉरिडोर टूटे हुए कांच और इधर उधर पड़े गंदे कपड़ों से भरा हुआ था। जैसे ही मैंने लाइट्स दीवार पर मारी, मुझे परेशान करने वाली ग्रेफिटी वहां बनी दिखी। वहां खोपड़िया और भूतों जैसा चेहरा बनाया हुआ था। वहां किसी ने ऐसा भी लिखा था, मार डालो सबको, मार दो। मुझे वो सब देख के अजीब सा लग रहा था। मैंने स्टेला से कहा, बेबी हमें गाड़ी में ही वेट करना चाहिए, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। स्टेला ने सार्कास्टिक होते हुए कहा, क्यों, क्या तुम्हें डर लग रहा है मार्क? मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे पता था वो मुझे और भी चिढ़ाएगी। हम हॉलवे में चल रहे थे। बाहर तेज बारिश और हवाओं की आवाज से पूरा कॉरिडोर गूंज रहा था। कॉरिडोर के एंड में एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे पे लिखा था, ऑपरेशन वार्ड। स्टेला वार्ड में लगी ग्रेफिटी को देख रही थी। तुम्हें क्या लगता है यहाँ क्या होता होगा? स्टेला ने स्माइल किया और कहा, ये एक ऑपरेशन थिएटर है मार्क, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? मैंने नाराज होते हुए कहा, क्योंकि ये जगह कोई थीम पार्क नहीं है स्टेला, ये जगह मुझे अजीब सी फीलिंग दे रही है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लग रहा। स्टेला ने मुझे उसी लापरवाही से देखा और कहा, रिलैक्स करो, ये बस एक अबेंडेंड हॉस्पिटल है, हम बस थोड़ा इधर उधर देखेंगे और फिर निकल जाएंगे, बात का बतंगड़ बनाना बंद करो। मैंने अपने मन में सोचा, शायद मैं बच्चे की तरह ही बिहेव कर रहा हूँ। ये बात तो साफ है कि यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। हम ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर पहुंचे। स्टेला ने दरवाजे को धक्का दिया और एक चरमराती हुई आवाज से दरवाजा खुला। मैंने ऐसे विचित्र ऑपरेशन टेबल आज तक नहीं देखा। वो स्ट्रेचर की तरह लग रहा था, पर उसमें चमड़े की हथकड़ियां और बेल्ट्स लगी हुई थी। टेबल्स पे एक हेड स्पेस था और उस पर भी चमड़े का स्ट्रैप लगा हुआ था। इस बार मैंने स्टेला का चेहरा पीला पड़ते देखा। वो ये सब एक मुरझाए हुए चेहरे के साथ देख रही थी। मैं ऑपरेशन टेबल के पास गया। उस पर सर्जिकल टूल्स पड़े हुए थे। वो टूल्स भी कुछ अजीब ही थे। सर्जिकल नाइव्स आरी की तरह थी। वहाँ ड्रिलिंग और औजार भी पड़ा था। मैंने उसे उठाया और स्टेला से कहा, इस टूल का क्या काम पड़ता होगा? स्टेला ने डरते हुए आसपास देखा और कहा,
ओ माय गॉड मार्क, मुझे नहीं लगता ये कोई साधारण हॉस्पिटल है। मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? स्टेला ने उसी डरती हुई आवाज में कहा, आई थिंक ये कोई हॉस्पिटल था दिमागी तौर पे बीमार लोगों के लिए। तभी यहाँ हर बेड पे हैंडकफ्स और बेल्ट स्ट्रैप्स लगे हैं। आई थिंक इनके बहुत वायलेंट पेशेंट्स थे। मैंने रियलाइज किया कि वो सही कह रही थी, पर इससे पहले मैं इसके बारे में कुछ और सोच पाता, मेरी आंख उस औजार के टिप पर पड़ी जो मैंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। मैंने कंफ्यूज होते हुए कहा, इस ड्रिलिंग टूल की टिप पे कुछ है, इस पे लाइट मारना स्टेला। जैसे ही स्टेला ने टूल पर लाइट मारी, हमने रियलाइज किया कि वो सूखा हुआ खून था। हमारा दिल डर के मारे जोर से धड़कने लगा। हमने ऑपरेशन टेबल पे पड़े सारे औजारों को देखा और नोटिस किया कि ऑलमोस्ट सभी टूल्स पे सूखा हुआ खून लगा हुआ था। उस रूम के कॉर्नर में फ्रीजर जैसा कुछ पड़ा हुआ था। स्टेला उसकी तरफ भागी और दरवाजा खोला। जैसे ही उसने फ्रीजर में देखा, वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी, ओ माय गॉड। मैं उसकी तरफ भागा और उसकी आंखों के सामने उस दहशत भरे दृश्य को देखा। उस फ्रीजर में बहुत सारे जार्स पड़े थे। वो जार्स बहुत पुराने लग रहे थे और उनमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। और हर जार के अंदर इंसान के बॉडी पार्ट्स पड़े थे। किसी में कान पड़े थे, किसी में नाक, इंसान की जीभ, उंगलियां, भेजा और एक इंसान का सर। हमें अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस जार में इंसान का सर पड़ा था, उसे मैंने बाहर निकाला। स्टेला ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो पेशेंट्स को इतनी गंदी तरह रखते थे। वो एक आदमी का सर था और उसकी आंखें बंद थी। वो चेहरा दिखने में बहुत ही खौफनाक था, पर उसके बाद जो हुआ वो मुझे आज भी डरा के रख देता है। स्टेला और मैं उस इंसान के सर का निरीक्षण पास से कर ही रहे थे कि तभी उस सर ने अपनी आंखें खोली और हमारी तरफ घूरने लगा। डर के मारे हम पीछे हो गए। उसके बाद वो सर बड़ी सी स्माइल देने लगा। स्टेला जितने जोर से हो पाई चिल्लाई और हम वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगे। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, हमारे पीछे कुछ परछाइयां भागती हुई आ रही थी। वो अपनी ही किसी भाषा में फुसफुसा रहे थे। उन्होंने अपने हाथ हमारे तरफ बढ़ाए और भागने लगे। मैंने घबराई हुई आवाज में कहा, भागो स्टेला भागो, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। स्टेला और मैं हॉस्पिटल से भागते हुए बाहर आए और अपनी गाड़ी में घुस गए। हमें हजारों लोगों की आवाज आ रही थी जो हॉस्पिटल से निकलकर आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग दर्द से रो रहे हो। जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट की, रोने की आवाज पागलों की तरह हंसी में बदल गई। बिना सोचे मैंने एक्सीलरेटर इतनी जोर से दबाया कि गाड़ी में से स्किट की आवाज आई। अगर आप मुझे पूछो कि हम घर वापस कैसे आए, तो शायद मैं ना बता पाऊँ। मुझे बस इतना याद है कि बस कैसे तैसे पहुंच गए और हम आज भी जिंदा है। स्टेला ने बाद में उस एबेंडन हॉस्पिटल के बारे में रिसर्च किया। उसने वहाँ के कुछ लोकल लोगों से बात करके भी कुछ अजीब सी न्यूज इकट्ठा की। लोगों ने बताया कि वो हॉस्पिटल दिमागी रूप से पागल क्रिमिनल्स का घर होता था, पर वहाँ के डॉक्टर्स जो उस जगह को चला रहे थे, उन्हें टॉर्चर करते थे और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स उन पर किए जाते थे। वहाँ के लोकल लोगों को उधर दिन में भी जाने को डर लगता है। उन्हें लगता है कि उन टॉर्चर्ड पेशेंट्स की आत्माएं आज भी उस जगह में रहती है।